जय हिंद दोस्तों, सूरज शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 23 तारीख के सीतामढ़ी SSB कैंप का अपडेट लेके आप लोगों के बीच आया हूँ। मुझे थोड़ा देर लगा, लगभग मेरा दोस्त जिसका मेडिकल था वो 7-8 बजे का लगभग वो बाहर निकला था, तो उससे जब मैं बात किया तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रह गया था जो मैं इसको सुबह थका हुआ था, इसलिए मैं सुबह उससे बात किया तो सुबह पूरा डिटेल से मैं दिया। मेरा कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से आज वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। कल से अब रेगुलर वीडियो आपके सामने टाइम से आएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, SSB गैंप में सुबह 5 बजे से एंट्री लिया गया था, 5:30 बजे तक सभी लोग का एंट्री कम्प्लीट कर लिया गया, जिसमें से 40 के लगभग अप्रोक्स 40 से 50 के लगभग या एक सर्विसमैन वाले थे और 50 के लगभग जनरल कैंडिडेट। अब आगे का इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ कि अंदर ले जाने के बाद दौड़ ग्राउंड पे हुआ कि ट्रैक। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दौड़ रोड पर कराया गया, क्योंकि ग्राउंड भी SSB के पास था लेकिन ग्राउंड कंप्लीट रूप से बना हुआ भी नहीं था, इसलिए रोड पे रनिंग कराया गया। रनिंग लगभग 5 बजे शाम 12 बजे के लगभग उन लोग से सब चीज़ ले लिया गया था। सबसे पहले आप लोग से हाइट लिया जाएगा, हाइट के बाद चेस्ट लिया जाएगा, हाइट चेस्ट से पहले डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा, जो भी फॉर्म फिलअप कराया जाता है वो सब चीज़ करा के हाइट ले लेंगे, चेस्ट लेंगे। हाइट में भी 5-6 लड़का को रोका गया था, चेस्ट में 3 लोग को रोका गया था, 10 के लगभग ये दोनों में स्टूडेंट को लगभग रोका गया था, और 6 से 7 लोगों को डॉक्यूमेंट में भी रोक दिया गया था जिनके पास जिसे आपको हाइट है, तो हाइट में छूट लेने के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बना के ले गए थे उनके लिए उनको रोक दिया गया। अब आगे उनको छाट दिया गया या उनको टाइम दिया गया इसका अपडेट हमारे पास नहीं है। जो मेरा दोस्त जितना बताया उतना मैं ऑथेंटिक एवं सही न्यूज दे रहा हूँ। दौड़ 3 बजे सब चीज़ लगभग करा लिया गया था, उसके बाद 5 बजे उन लोग को दौड़ स्टार्टिंग कराया गया। अब दौड़ रोड पर हुआ कि ग्राउंड पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 23 सितंबर का जो दौड़ था वो रोड पे लिया गया, जिसमें 1100 मीटर का 4 गो मारने का था, और 600 मीटर के आपको सबसे पहले 600 मीटर के आपको मरवा देंगे, 600 मीटर के मरवाएंगे, अब वहाँ से SSB के कांस्टेबल रहेंगे, वहाँ से फिर आप लोग झंडा उंडा गड़ा हुआ रहेगा, सब बता देंगे आपको, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से फिर पीछे से आ जाएंगे कांस्टेबल, अब वहाँ से आपको 4 राउंड मारना है, लगभग समझिए 4.5 राउंड मारना है। 23 तारीख को रोड पे रनिंग कराया गया है, और कितना लोग का कराया गया तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो दोस्त का बैच था उसमें 25 से 26 लोग को दौड़ कराया गया था, जिसमें मात्र 10 लोग, फिर से गौर से सुनिएगा, 10 लोग रनिंग क्वालिफाई किए, 25 में से 10 लोग रनिंग क्वालिफाई किए और 15 डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आगे जिनका भी फिजिकल है, अब ये कन्फर्म आज 24 तारीख है, आज शाम तक फिर मेरा वीडियो आ जाएगा, उसके बाद 26 तारीख से 28 तारीख का मेरा खुद रनिंग है, इसीलिए 26 तारीख से मैं लाइव रिपोर्टिंग आप लोग के बारे में वहीं से SSB कैंप नरकटियागंज से दूंगा। जितने भी नए लोग हैं जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए लोग जितने भी हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन पहले आप पहुँचिए आराम से, जिससे पहले खाना खाते, कुछ नया चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, खाए पिए रहें। 5 बजे से आप लोग को रनिंग लिया जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट रनिंग 2 या 3 दिन के बाद अब से जो होगा, शायद एक कॉन्स्टेबल बोल रहे थे कि अगर बारिश नहीं होती है तो ग्राउंड पर लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ट्रैक तैयार कर रहे थे ग्राउंड पर। अब ग्राउंड पे जो ट्रैक बनाया जा रहा है वो 800 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर के आपको 6 चक्कर लगाना है, 8 चक्कर 4400,
200 मीटर का आपको स्प्रिंट मराएंगे। स्प्रिंट सबसे पहले आपको मरा लेंगे, बोले वो जो वहाँ पे कांस्टेबल थे वो बता रहे थे कि एक दो दिन में अभी रोड पे ही दौड़ाया जाएगा, उसके बाद ट्रैक बन जाएगा, तो उस 8 चक्कर मराया जाएगा और 200 मीटर का सबसे पहले स्प्रिंट मराया जाएगा। 8 चक्कर, सॉरी बोले 600 का ट्रैक रहेगा और 8 चक्कर मराया जाएगा, तो 8 × 48 और 200 मीटर का स्प्रिंट। फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, 8 चक्कर लगाया जाएगा, ट्रैक 600 मीटर का रहेगा और 200 मीटर के आप लोग को फिनिशिंग मारना होगा। इसलिए जिनका भी दौड़ मतलब होम ग्राउंड में जितना था, हमारा दोस्त का दौड़ लगभग 21 मिनट 33 सेकंड के लगभग उसका आता था, वहाँ भी लगभग 21 मिनट बोला 40 सेकंड, 40 से 42 सेकंड के बीच लगभग घुस गया था। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, एकदम आराम से जाइए। जिनका दौड़ बना हुआ है 24 साढ़े 24 का भी जिनका रनिंग है, वो आराम से वहाँ पे देखते हैं, हौसला थोड़ा मिलता है, देखिएगा आगे। तो कोशिश बस यही कीजिएगा, काटने की कोशिश कीजिएगा, आगे जो चल रहे हैं उसको पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आगे का जो भी न्यूज होगा, आज भी मेरा एक दोस्त का है, जैसा वो न्यूज देगा हम शाम तक आप लोग को अब टाइम से वीडियो बनाते रहूँगा, आज थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट भले आए, लेकिन जो भी आएगा ऑथेंटिक आएगा, एकदम सही आएगा, उसमें आप मतलब काट नहीं कर सकते हैं कि आपने गलत बताया, ये बताया, वो बताया। इसलिए आज का रनिंग 25-23 तारीख का जो रनिंग था, उसमें 25 लोग में से 15 लोग क्वालिफाई हुए। अब जो बचा हुआ था उनके बारे में मेरा दोस्त के पास न्यूज नहीं था, तो उसने बताने से मना कर दिया कि हो सकता है 50 के लगभग जनरल कैंडिडेट था, उसमें हो सकता है उन लोगों का एक बैच और बना के, जो भी चेस्ट जिनका हो सकता है बाद में कुछ को पूरा दिया गया होगा, चेस्ट में बोले कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, अगर कम भी है तो जानते हैं कि आगे ट्रेनिंग होगा, बॉडी बन जाएगी, उड़ जाएगा। हाइट में भी मेरे एक लड़का का बता रहा था कि 169.5 था, उसको वो पूरा दिए, मतलब थोड़ा बहुत कम रहेगा तो आपको वो पूरा देंगे, अब ज़्यादा रहेगा 68 रहेगा 69 रहेगा तो वो फिर छाट देंगे आप लोग। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, आज से आप लोग को टाइम से वीडियो आएगा और 26 तारीख से SSB कैंप नरकटियागंज से आप लोग को, मैं खुद, मेरा 28 का रनिंग खुद है, इसलिए वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग आप लोग के बीच शेयर करूँगा। आज भी मेरा एक दोस्त का नाम है, उसका नाम रोहित कुमार है, जैसे वो निकलेगा हम उससे बात करके पूरा, हम उससे भी बात किया था और वहाँ पे उसका एक दोस्त था, उनसे भी बोले कि उनको भी फोन दो, उनसे भी हम बात किया ताकि कोई गलत न्यूज आप लोग के बीच में नहीं जाए, जो भी जाए एकदम सही जाए। इसलिए जो भी नए दोस्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज शाम फिर आप लोग के SSB कैंप नरकटियागंज का अपडेट आज शाम तक फिर दे दिया जाएगा।